हेलो जी, आशा करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे और भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आज हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा कंबाइन लगी हुई है जो कि अभी फ़िलहाल बाजरे की फसल है उसको कट कर रही है, इनकी निकाल रही है। पहले मशीनें आती थी गेहूँ की, फिर उसके बाद आई सरसों की और अब आ गई बाजरे की कंबाइन। ये देखिए, जो सीधा खड़ा बाजरा होता है उसको तो ये अच्छे से निकाल देती है, लेकिन जो सीटियाँ नीचे रह गई इस खेत में बहुत नुकसान है। बहुत सीटियाँ नीचे गिरी हुई हैं, इसलिए मुझे तो ये सिस्टम अच्छा लगा नहीं। और इसमें जो फूस है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसके बाद जाते वक्त हमने कुछ क्लिप ली प्लांट की, ये है सीमेंट प्लांट जो रास्ते में आता है। ये आगे चल के आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर सीमेंट वगैरह होती है ना, वो बनती हैं। बहुत लंबे एरिया में है ये प्लांट, अब इसका एरिया और आगे तक है। ये देखिए, ये जार्ली प्लांट का एरिया भी यहाँ से दिखाई देता है दूसरी साइड। इसके बाद हम बस अब पहुँच गए अपनी फ्रेंड के घर। इनके मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था तो हम उनसे मिलने गए थे। जैसे ही मैं घर के अंदर इंटर हुई तो वो सामने बैठे हुए थे, तो मैं मजाक कर रही हूँ कि जो बीमार आदमी होता है वो लेटा रहता है उठकर, और आप तो सामने बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठे हुए हो। हम तो आपको आपका बेरा लेने के लिए आए हैं, आप उठकर सो जाइए। तो इस तरह का मजाक चल रहा है। ये मेरे फ्रेंड है, इनका भी चैनल है यादव फैमिली व्लॉग, और ये इनकी भतीजी है बहुत ही क्यूट सी। हम सब यहाँ पर बातें कर रहे हैं। उसके बाद हमने चाय पानी पी, काफ़ी देर तक हमने यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर बैठे रहे हम। ये मेरी गुड़िया है जो इसको खिलाने के लिए स्पेशल आई थी। इसके बाद हम घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद यहाँ पर जो मेरे एक रिलेटिव थी उनकी लड़की आई हुई थी, कुछ देर हम इनके साथ बैठे, इनके साथ बातें की हमने। अब मैं एरिया दिखाती हूँ। वो जब मेरी फ्रेंड के वहाँ गए तो हमने आते वक्त कुछ क्लिप ली थी, तो वहाँ पर बारिश इतनी हुई है कि वहाँ की जो फसल है वो बिल्कुल यूँ लगा लीजिए बर्बाद हो चुकी है। ये थोड़ा एरिया प्लांट का है, इसके बाद आपको वो वीडियो दिखाई देगी। ये देखिए, ये सीमेंट वगैरह डल के जाते हैं इन ट्रकों में। अब आगे आपको दिखाई देगा कि देखिए ये तो खाली खेत है। ये देखिए कपास बिल्कुल यूँ लगा लीजिए, नीचे से बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है। ये इस फसल का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़मींदार आदमी की उम्र आ जाती है यहाँ पर, पूरे साल मेहनत की, लेकिन लास्ट टाइम में जब इस तरह मौसम की वजह से नुकसान होता है तो आत्मा बहुत दुखी होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री श्याम।